बड़वानी जिले में बिक रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज जय संगठन के द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके कारण युवा वर्ग इसकी चपेट में आकर अपना भविष्य खराब कर रहा है। प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही शराब से खिलाफ कार्यवाही करे। ज्ञापन लेते हुए SDM धनगर ने उचित कार्यवाही की बात करते हुए वरिष्ठ जनों तक ज्ञापन पहुंचाने की बात कही। बड़वानी ससुर कुमाऊत की रिपोर्ट। डायरी के नाम से डॉक्टर राजू पटेल, प्रदेश JS का कार्यकारी अध्यक्ष। पटेल जी, ज्ञापन दिया है, किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन? ज्ञापन, हम ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर आज हम जिला मुख्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए आए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि आज बड़वानी जिला एक बाहुल्य जिला है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो अवैध शराब है, शासकीय दुकान का जो ठेका होता है, शासकीय दुकान से आज डायरी के नाम से कालाबाजारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रात दिन इनके बिना नंबर प्लेट से बोलेरो लेके सप्लाई कर रहे हैं, जिससे आज हमारे ग्रामीण कस्बों में छोटे छोटे बच्चे इस शराब के नशे का सेवन कर रहे हैं और घरेलू हिंसा जैसे मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं। इसलिए आज हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन JS के माध्यम से यहाँ पर आज आबकारी विभाग के प्रतिलिपि उनके माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आया तो सर ज्ञापन दिया है। हाँ, JS संगठन के द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।